सबको स्वागत है। आज हम 13वें के ईश्वरदान में आ पहुंचे हैं। कभी आपको फील हुआ होगा ऐसे कि मैं बंधन में फंसा हूं या फंसी हुई हूं? ये बंधन बनाए किसने हैं? हम सब ने अपने आप ही बनाए हैं। मेरे चीज, मेरा परिवार, मेरा आइडिया, मेरे संकल्प, मेरी वृत्ति, मेरी सोच, मेरी जगह, मेरी कंट्री, मेरा धर्म, ये सारे बॉन्डेजेस हैं जो कि हमें हल्का नहीं होने देते, जो हमें फ्री नहीं देते। तो इंसान आज चाहता है, स्पेशली यूथ आज चाहते हैं कि हम फ्रीडम में जाएं, लेकिन सच्ची फ्रीडम आपको ब्रह्मा कुमारी बना के सीखनी पड़ेगी कि सच्ची फ्रीडम क्या है, क्योंकि आप कहीं एक चीज को छोड़कर के दूसरे के अंदर ना घुस जाएं। तो सच्ची फ्रीडम है सोल कॉन्शियसनेस की, आत्मा अभिमान, जिसमें ना कोई धर्म, ना प्रांत, ना कोई कास्ट, ना कोई क्रीड, ना कोई रिलीजन, ना कोई कुछ भी नहीं है, और हम किसी चीज से अटैच नहीं होते हैं। एंड यही चीज हमें हल्का बना देती है, हमें हर किसी के साथ में नॉन जजमेंटल बना देती है। तो आज परमात्मा हमें कह रहे हैं कि अगर हम भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें भी अपनी दीवारों को लांघना है जो कि हमने खुद बनाई हुई है। तो परमात्मा कहते हैं, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भवा। हद की दीवारें, हमने बहुत सारी अपने मन के अंदर दीवारें बना के रखी हुई हैं, हद की दीवारें हैं। ये लोग ऐसे हैं, इनकी सोच ऐसी है, इनका खान पान ऐसा है, इनकी ये लोग ऐसे हैं, ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं। तो हम कहीं ना कहीं ऐसी सोच के कारण औरों को बदुआ देने लग जाते हैं, औरों के साथ में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, नफरत रखना शुरू करते हैं, जो कि हमारे लिए ही ठीक नहीं होता है, हमारे लिए वो विष बन जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है, कोई भी हद की दीवार बनी हुई है, फिजिकल चीज़ों में भी होती है। ये मेरी जगह, ये मेरा सेंटर, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा प्रांत है, मेरा धर्म है, ये मेरी सोच है, ये मेरी बोली है, बोली मतलब लैंग्वेज। तो किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है पार किया उपराम बनना। उपराम, ऊपर है राम, परमात्मा पिता रामचंद्र जी नहीं, राम। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला, नीचे की बातों से, धरती की बातों से, मेरेपन की बातों से ऊपर उड़ जाना, और फिर हमें विजडम आती है। अच्छा, ये मेरा नहीं, अगर मैं थर्ड पार्टी होता और ये दो लोगों को झगड़ा करते हुए देखता तो मैं क्या करता, मैं इनकी जगह होता तो क्या करता, वो हो गया उपराम होकर के देखना, अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल के देखना। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में अटकते व लटकते नहीं है, हद की बातों में अटकते हुए लटकते नहीं है, वो हमेशा फ्री रहते हैं, फ्रीडम में रहते हैं, उनको किसी चीज से कोई झंझट नहीं, किसी चीज से कोई लोभ नहीं, किसी चीज से कोई लगाव नहीं होता उनको, ना चीज से ना लोगों से। उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है, उनको पता होता है कि हाँ, मुझे वापस जाना है परम धाम, मुझे सबको छोड़ के जाना है, तो इसमें मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ। जैसे कल का वरदान, वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाल पर आएंगे, वो आएंगे, किसी आत्मा के साथ में कोई कर्म का अकाउंट होगा, आएंगे, कर्म को ठीक करेंगे और उड़ जाएंगे, वो किसी से कनेक्टेड और अटैच्ड और बंधे में नहीं रहते। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा, कर्म किए और चले गए, मैंने कर्म किया, मैंने बोला, मैंने दिया, मैंने समझाया, मेरा आइडिया था, मेरी सोच थी, ना वो फंसते नहीं उस चीज में, वो करते हैं कर्म और उनको ये लगता है कि किसी को पता भी नहीं है। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र होंगे, वो कर्म करके वेट नहीं करेंगे कि हाँ मैंने कर्म किया, देखो लोगों ने मेरे बारे में क्या बोला, लोगों ने अच्छा बोला, नहीं बोला, मैंने क्या किया, उसके लिए वो वेट नहीं करते, वो उड़ जाते हैं, बिकॉज वो भी एक बंधन बन जाता है। लोगों की तस्वीरें आ जाएंगी आपके सामने कि इन्होंने मेरे बारे में मीठा बोला, इन्होंने मेरे को प्रेज किया, वो दूर हो जाते हैं चीज़ों से, उनको चाहिए नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो ना किसी से निंदा, ना किसी से स्तुति, किसी चीज़ से वो इफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ को मानते नहीं। अगर कला भी है, क्वालिटीज़ भी उनके अंदर, तो वो सोचते हैं ये कला क्वालिटीज़ है जो है वो भगवान ने दी है, मेरी नहीं है वो, तो इसलिए उनको उन चीज़ों, सूक्ष्म चीज़ों से भी उनको अटैचमेंट नहीं रहती है। अगर कोई उनकी कला की, कोई उनकी क्वालिटी की प्रेज भी करते हैं तो उनको उनसे कुछ लेने देना नहीं होता, हम उस लेवल तक पहुँच रहे हैं। सिर्फ स्थूल चीज़ों तक नहीं, क्योंकि स्थूल में आप एक फिजिकल बॉडी के ऊपर आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, और कोई बोले आपकी सोच बड़ी अच्छी, आपका आइडिया बड़ा अच्छा, दोनों में अंतर है ना, एक हो गया शरीर की महिमा करी, एक होगी आपकी सोच की, आपके आइडिया की महिमा करी, दोनों में अंतर है। और जो योगी होते हैं उनको दोनों चीज़ों की महिमा की कोई इच्छा होती नहीं है, और कोई उनकी स्तुति भी करे, निंदा भी करे इन दोनों चीज़ों में, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट के पाथ में होते हैं, वो अपने आप को सुधार रहे होते हैं परमात्मा से जुड़ करके। तो आपको भी अगर सुधारना है अपने आप को, और आपको इतना शक्तिशाली बलवान बनना कि कोई आपको चीज़ का असर ना पड़े, तो आप परमपिता परमात्मा से आइए जुड़े, ब्रह्मा कुमारी इसमें योग सीखे, परमात्मा से कनेक्शन, मेडिटेशन का मतलब वही है, कनेक्शन विद गॉड। ओम शांति इसके साथ।